ग्राम पंचायत धुलेट के ग्रामीणों ने सरपंच सचिव की अनियमितताओं को लेकर कलेक्टर को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच और सचिव शासन की योजनाओं में अनियमितताएं कर रहे हैं, साथ ही वह भ्रष्टाचार करते हुए यहां की जमीन भी बेच रहे हैं। अगर कोई उनके खिलाफ जाता है उनके साथ मारपीट भी की जाती है। इस संबंध में जनपद पंचायत सरदारपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी एक शिकायत की गई थी, लेकिन इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, तो ग्रामीणों को विवश होकर कलेक्टर को एक शिकायती ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में ग्रामीणों ने मांग की है तत्काल प्रभाव से सरपंच एवं सचिव को हटाया जाए एवं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कलेक्टर महोदय को ग्राम पंचायत धुलेट से सभी वार्ड मेंबर जन आए थे, तो ग्राम पंचायत धुलेट में सरपंच और सचिव द्वारा और उसका भाई हरिराम मेड़ा एवं दिनेश अग्निहोत्री द्वारा कई भ्रष्टाचार वाला कार्य किया गया, उसके संदर्भ में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया एवं गांव में ग्रामीण जनों से टैक्स का पैसा जल कर भवन कर लिया गया, वो अभी तक ग्राम पंचायत में जमा नहीं किया गया। कई दुकानों का पैसा भी, जो कॉम्प्लेक्स है उनका पैसा भी ग्रामीण जनों से लिया गया, लेकिन वो ग्राम पंचायत के अकाउंट में जमा नहीं किया गया। सोसाइटी की जमीन इन्होंने अपनी मनमर्जी से किसी भी अपने व्यक्ति को बेच दी गई, प्लाट काट के पैसा खा गए। और जो निजी कॉलोनी थी वहाँ पे भी सरकारी पैसा का दुरुपयोग करके सीसी रोड निर्माण कर दिया गया, और किसी भी वार्ड मेंबर की सहमति और किसी भी वार्ड मेंबर की ठहराव प्रस्ताव नहीं लिया गया। सरपंच सचिव ने अपने नाना जी की संपत्ति समझ करके इस पैसा का दुरुपयोग किया गया, और ग्रामीण जन अति आक्रोश में है, और ग्रामीण जन आक्रोश के कारण सभी वार्ड मेंबरों को उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा। कोई अपने को, सभी वार्ड मेंबरों को ग्रामीण जन गाली गलौज से बातें कर रहे हैं।